साथियों, आज हम गुणा करने की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मूलतः गुणा करने की विधि, जो गुणा करना होता है वह इस प्रकार होता है कि हम जिस भी संख्या से गुणा करते हैं उसे उतनी बार जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हम 2 को गुणा करते हैं 3 से, तो इसका परिणाम होता है 6, अर्थात हमने 2 को 3 बार जोड़ा तो ये बनेगा 6। जब हम एक अंक वाली गणनाओं का गुणा करते हैं तब बहुत आसानी होती है, लेकिन जैसे ही हमारी गुणा करने की अंक बढ़ जाते हैं तो हमें गुणा करने में बहुत परेशानी होती है। तो अभी जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं। पहले हम 2 को गुणा करेंगे 1 से, उसके बाद 2 को गुणा करेंगे 2 से, और फिर 3 को गुणा करेंगे 1 से, और फिर 2 को गुणा करेंगे 3 से। तो हमारा परिणाम आएगा 672। लेकिन यदि हम इसे दूसरी विधि से हल करेंगे, जो कि ज़्यादा आसान होती है, इसे एक लाइन का गुणा कहा जाता है, इसमें हम सबसे पहले जो आखिरी अंक है उनको आपस में गुणा करेंगे तो परिणाम होगा 2×1=2। उसके बाद हम इसमें क्रॉस गुणा करेंगे 1 को 3 से और 2 को 2 से, तो हमें परिणाम मिलेगा 7। तो हम इसे से दूसरे अंक पे 7 लिखेंगे। उसके बाद प्रथम अंक 3 और 2 उसे गुणा करेंगे तो मिलेगा 672। तो यह गुणा करने की विधि ज़्यादा आसान कारक होती है बनिस्पत की जो पहले विधि जो हमने किया है उसके मुकाबले में। ये जो लाइंस है ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम दूसरे अंकों को इसी प्रकार गुणा करें जो 2 अंक वाले होते हैं उनको, तो मान लीजिए हम 123 को 242 से गुणा करना चाहते हैं, तो जो पारंपरिक विधि है उसमें हमें जब गुणन करना होगा तो हमें सबसे पहले 3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और आएगा अंक 6, उसके बाद 2 को 2 से गुणा करेंगे और आएगा 4, और अंत में 2 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 2। इसके बाद 4 को गुणा करेंगे 3 से तो आएगा 12, हासिल 1। 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे फिर आएगा 4×8 और 1×9। इसी प्रकार 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, अंत में 2 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और 2 को 1 से गुणा करेंगे फिर आएगा 2। तो जो हमारा कुल परिणाम होगा वह 6, 6, 7, 7 से 1, 8 और 1×9 और 2 इस प्रकार होगा। तो हमें इसमें कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन जो आसान विधि है उसमें सबसे पहले आखिर के 2 अंकों को आपस में गुणा करेंगे प्राप्त होगा 6, तो पहला अंक लिखेंगे 6, उसके बाद क्रॉस गुणन होगा अंतिम के 2 अंकों का, तो 2 का 2 से और 3 का 4 से, तो इस प्रकार हमें मिलेगा 16। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 को और शेष बचेगा 1। इसके बाद इन तीनों अंकों का आपस में क्रॉस गुणन होगा इस प्रकार से, बीच के अंकों का आपस में और अंतिम और पहले अंक का आपस में, और इसको जोड़ेंगे तो 1 का गुणा होगा 2 से, 2 का गुणा होगा 4 से और 3 का गुणा होगा 2 से, तो परिणाम आएगा 16। लेकिन पहले चरण में हमारे पास 1 शेष बचा था वह भी जुड़ेगा, तो इस प्रकार होगा यह 17, और 17 का जो 7 है वह तीसरा अंक बनेगा मेरे परिणाम का। इसी प्रकार अंत में पहले के 2 अंक 1, 2 और 2, 4 इनका क्रॉस गुणन होगा, तो 1 का 4 से और 2 का 2 से, तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 8। और जो पहले परिणाम में शेष बचा था 1 वह भी इसमें आएगा, इस प्रकार होगा 9, तो अंक बनेगा 9 और यह चौथे स्थान पर आएगा, और आखिर में 1 का गुणा होगा 2 से और हमारे पास कोई भी शेष नहीं है, इसलिए इसे लिखा जाएगा
पहले स्थान पर। इस प्रकार तीन अंकों का गुणन होगा। यदि हमें ऐसे अंकों का गुणन करना है जिसमें एक संख्या तो तीन अंकों की है कि दूसरी संख्या दो अंकों की है, तो हम उसमें जैसे मान लीजिए हमें गुणा करना है 12 को 204 से, तो हम इस अंक को इस प्रकार बना सकते हैं। मान लीजिए 12 की जगह हमने लिखा 012 और 204। तो सबसे पहले चरण में आखिर के दो अंकों का गुणन होगा, उसके बाद क्रॉस गुणन होगा दूसरे चरण में 4 का 2 से 1 से और 2 का 0 से, तो परिणाम आएगा 4। तो आखिर अंक होगा 8, उसके बाद होगा 4, तीसरे चरण में क्रॉस गुणन होगा 1 का 0 से 2 का 2 से और 0 का 4 से, तो परिणाम आएगा 4। यहाँ पे 4 आएगा। इसके बाद हम गुणा करेंगे प्रथम के दो अंकों का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 × 0 = 0 होगा और 2 और 1 = 2 होगा, अर्थात तो यहाँ पे अंक आएगा 2 और अंत में पहले के दो अंक 0 और 2, तो परिणाम होगा 0। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। इस तरह से हमारा जो परिणाम होगा वह 2448 इस प्रकार से होगा। यदि हम इसे साधारण विधि से गुणा करेंगे तो हमें जो परिणाम मिलेगा वह इस प्रकार होगा, लेकिन हमारी विधि से यह बहुत ही आसान हो जाता है।